not a good ball, Gary. That's the one. मानवता के खिलाफ हमने सबसे बुरा अपराध ये किया है कि हमने लोगों के दिमाग में स्वर्ग का विचार डाल दिया। अगले 5 साल इस देश को कुछ सीमाओं से ऊपर उठाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम सब मिलकर इसे एक सच्चाई बनाते हैं। मतलब मैं 83 का हूँ, मुझे महसूस नहीं होता कि मैं बूढ़ा हूँ। मेरा मतलब मेरे पास बहुत ऊर्जा है, मेहनत करना, जिम जाना, खूब घूमना। मरना ठीक है, मगर बूढ़ा होना जरूरी नहीं है। मगर क्या आप मरने से डरते हैं? क्या आप मरने से डरते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? बिल्कुल भी नहीं। मैंने एक पूर्ण जीवन जिया है। मैं हर दिन को ऐसे जीता हूँ मानो यही आखिरी दिन है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं। क्या आप अच्छी नींद सोते हैं? ओ हाँ। देखिए, 25 साल तक मैंने सिर्फ 2.5 से 3 घंटे नींद से काम चलाया। हे भगवान। रात में? हाँ, रात में। इन दिनों मैं आलसी हो रहा हूँ, मैं औसतन 4.5 घंटे सोता हूँ। वाह। आप जानते हैं मेरी पत्नी और मैं 9 घंटे सोते हैं। इसका मतलब है कि आप आधे जीवन सोते रहेंगे। अगर मैं 2.5 घंटे सोया होता तो मैं अभी ऐसे बैठा होता। नहीं, शरीर को नींद की नहीं, उसे आराम की जरूरत होती है। अगर आप जानते हैं कि खुद को आराम में कैसे रखना है तो नींद की मात्रा कम हो जाएगी। ये एक अच्छा पॉइंट है। जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें सफल होना चाहते हैं, कोई संदेह नहीं। पर आज सभी कामयाब लोगों को देखिए, वो संदेश फैला रहे हैं, सफलता दुख है, सफलता कष्ट है। अगर आप ये संदेश फैलाएंगे तो अगली पीढ़ी सफलता नहीं चाहेगी। शायद उनके मन में ये शब्द ना हो, मगर वो सफलता नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो आपकी सफलता देख रहे हैं और वो आपकी तरह नहीं होना चाहते। उन्हें लगता है कि वो गांजा पीकर बेहतर हैं, और वो हैं। ये सच है। तो आपके सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है शरीर की सुखदता, मन की सुखदता, भावनाओं की सुखदता और आपकी जीवन ऊर्जा की सुखदता। हम अपने जीवन को बहुत हास्यास्पद रूप से जटिल बना लेते हैं, यही दुनिया की रीत है। बहुत ज्यादा जैसा कुछ नहीं होता। Human being is geared to do a lot. इंसान बहुत कुछ कर सकता है। ज्यादातर इंसानों की समस्या ये है कि उनका मन ही उनके खिलाफ है। जब आपकी समझदारी आपके खिलाफ हो जाए तो आप खत्म। देखिए, आप इसे तनाव कह सकते हैं, चिंता कह सकते हैं, आप इसे दुख, पागलपन, जो चाहे कह सकते हैं। मुख्य रूप से ये आपकी समझदारी का आपके खिलाफ होना है, है ना? I love that. क्या कोई और वजह है? चेतना कोई अजीब चीज नहीं है जो कहीं और घटित हो रही है। आप जीवित हैं और जानते हैं कि आप जीवित हैं क्योंकि आप चेतन हैं। अगर आप अचेतन हो तो आप ये भी नहीं जानेंगे कि आप जीवित हैं या मर गए, है ना? आप ये भी नहीं जानेंगे कि आपका अस्तित्व है या नहीं। तो आप चेतन हैं, सवाल सिर्फ ये है कि कितने चेतन। तो चलिए अभी हम चेतनता को रोशनी के रूप में देखते हैं। मान लेते हैं इस हॉल में सिर्फ एक लाइट है और उसकी रोशनी कम करते हैं तो वो सिर्फ ये 2 लोग दिखाएगी, बाकी मुझे नहीं दिख रहे। मैं क्या सोचूंगा? मैं सोचूंगा कि इस हॉल में सिर्फ ये 2 लोग हैं। आपने रोशनी बढ़ा दी, अचानक मुझे 4 लोग दिखते हैं। अरे, अचानक हॉल में 4 लोग हो गए। आप उसे और बढ़ा दें, अरे यहां 10 लोग हैं। उसकी रोशनी पूरी बढ़ा दी, अब मैं हर चीज और व्यक्ति को पूरा देख पाऊंगा। चेतनता बस यही है, हर कोई चेतन है। सवाल बस ये है कि कितने चेतन। हर कोई जगा हुआ है, मगर सवाल सिर्फ ये है कि आप अभी कितने जगे हुए हैं। इसीलिए ये शब्द है। भारत में हम हमेशा से जागृति शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्या मैं जगा हुआ नहीं हूं? मैं जगा हुआ हूं, मगर आप इससे अधिक जागृत हो सकते हैं जितने आप अभी हैं। आगे आप और अधिक जागृत हो सकते हैं। किसी बिंदु पर अगर आप पूरे जागृत हो जाते हैं तो सारी सृष्टि आपके बोध में आ जाती है। मानवता के खिलाफ हमने सबसे बुरा अपराध ये किया है कि हमने लोगों के दिमाग में स्वर्ग का विचार डाल दिया। हमने उनसे कहा कि रहने के लिए इससे अच्छी एक जगह है,
यहाँ आप मनमाने तरीके से रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ बेवकूफी कर सकते हैं, कहीं और सब कुछ शानदार होगा। इस एक विचार ने हमें अपने आसपास की हर चीज के प्रति बहुत बुरा और असंवेदनशील बना दिया है। ये विचार कि अगर आप यहाँ अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वहां वो शानदार होगा। आज आपको शराब नहीं मिली, कोई बात नहीं, वहां वाइन की नदियां बहती हैं। जो भी छोटे छोटे सुख आप चाहते हैं, चिंता मत कीजिए, वहां दर्जनों कन्याएं आपका इंतजार कर रही हैं। जो भी बकवास, मैं कह रहा हूं बस ये विचार कि यही जगह है जहां सबसे ऊंचे स्तर पर जीने के लिए आपको सब बेहतरीन करना होगा। रहने के लिए इससे ऊंची कोई जगह नहीं है, यह सबके अंदर समा जाना चाहिए। अगर हम बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं तो यही वो जगह है ना? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप पहले से स्वर्ग में नहीं हैं और उसे खराब नहीं कर रहे?